गाइज, होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं हूं मोमिता एंड वेलकम बैक टू द चैनल बॉयज एंड एक्सप्लोर्ड। आज है पोयला बैशाख, तो हम सबकी तरफ से आप सभी को शुभ हो पोयला बैशाख। शुभ हो पोयला बैशाख। तुम्ही को दिया शुभ हो पोयला तो गाइज, हम कुछ इस तरह का गेटअप करके आज पोयला बैशाख सेलिब्रेट कर रहे हैं घर से दूर, यहाँ पे पूरे बंगाली गेटअप में। और थोड़ी देर बाद दीदी, जीजा जी और आयुष भी आ रहे हैं, और कल हम सेलिब्रेट करने वाले हैं बोहाग बिहू। तो इसी ब्लॉग में मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी। जेटुका जेटुका दुहत जेटुका, তুমি হাওয়া লইলো দিদি দিদি আগ বড়ো চলা মামা মগু দি দিলে আশীর্বাদ হ্যাঁ। सो गाइज, रोंगाली बिहू के पावन अवसर पे हम आज आए हैं शिवसागर रोंगाली बिहू सेलिब्रेशन देखने के लिए। यहाँ पे मुकोली बिहू सेलिब्रेट किया जाता है बहुत ही बड़े तरीके से। तो बहुत टाइम से हम सोच रहे थे कि बिहू के टाइम में हम शिवसागर विजिट करेंगे, रोंगघर में बिहू सेलिब्रेशन होता है। तो फाइनली हम आज आए हैं। तो सबसे पहले हम विजिट कर रहे हैं शिवसागर का शिवोदोल। शिवदोल इज ए ग्रुप ऑफ स्ट्रक्चर कंप्राइजिंग थ्री हिंदू टेम्पल्स ऑफ शिवदोल, विष्णुदोल एंड देवीदोल, श्राइन्स एंड ए म्यूजियम। दीज आर लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द शिवसागर टैंक, ऑल्सो नोन एज द बोरपुखुरी टैंक। टैंक का निर्माण हुआ था 1731 और 1738 के बीच, और इन मंदिरों का निर्माण हुआ था 1734 में आहुम किंग स्वर्गदेव शिव सिंघा की रानी बौर राजा अंबिका द्वारा। ऊंचाई 104 फुट है और इसके ऊपर एक 8 फुट ऊंचा सुनहरा कलचिर है। यहाँ का वातावरण इतना खूबसूरत और शांत है कि पूरे मन में पॉजिटिविटी भर जाती है।
स्कॉच है, स्ट्रॉबेरी है, हो गया 110 और 150 कितना 160 हो गया। शिवोदोल से हम गए रंगघर विजिट करने, जहाँ पे रंगाली बिहू उद्यापन हो रहा था। रंगघर वॉज बिल्ड बाय आहोम स्वर्गदेव प्रमत्त सिंह इन 1746 एंड स्वर्गदेव रुद्र सिंह स्टार्टेड द ट्रेडिशन ऑफ सेलिब्रेटिंग द फेस्टिवल हियर। द ट्रेडिशन कंटिन्यू टिल द रेन ऑफ द लास्ट स्वर्गदेव पुरंदर सिंह। ओए हाय हाय निंदानु मु कोरिसा सरसामु कोरिसा ओए सरसामु कोरिसा ओए आरोते ओए मुखारे ओए मीठा माटी। हर साल रंगाली बिहू यहाँ पे बहुत ही ह्यूज तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है, जहाँ से दूर दूर से लोग इसको देखने आते हैं। तो गाइस, आज हम हैं हिस्टोरिक टाउन शिवसागर में और अभी रंगघर के बिल्कुल सामने हैं। और यहाँ का क्राउड आप देख सकते हैं, ह्यूज क्राउड है। बहाग बिहू का मुकोली बिहू चल रहा है, फंक्शन चल रहा है यहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा क्राउड है। हम यहाँ पे पहले भी आए हैं पर इतना क्राउड हमें कभी दिखा नहीं था, पर आज बहुत ज़्यादा बिहू पे क्राउड है, अच्छा भी लग रहा है। The entire atmosphere turns alive with cultural troops belonging to various ethnic groups performing Bihu Husori, Jang Bihu, ethnic dances, etc. On the first day of the Assamese calendar, Rongali Bihu is celebrated every year on the 17th century historic sports pavilion in the presence of thousands of people and Husori dolls. Over a dozen Bihu Husori dolls presents Husori in the Rongghar premises. प्रोग्राम देखा, पर बहुत ज़्यादा धूप थी तो बहुत देर तक हम वहाँ पे रुक नहीं पाए और हम आए हमारी पार्किंग एरिया में, जिसके सामने था शिवसागर का द गोलाघर, जो एक हिस्टोरिक मॉन्यूमेंट है जो जयसागर में लोकेटेड है 4 किलोमीटर्स फ्रॉम शिवसागर। इट इज़ एन एम्यूनिशन स्टोर हाउस यूज्ड बाय द आहोम्स एंड इज सिचुएटेड नियर द तलातल घर।
Recently, it has been renovated as a museum gallery. अगर आपके पास थोड़ा और समय है इस हिस्टोरिक टाउन में स्पेंड करने के लिए तो आप डेफिनेटली विजिट कर सकते हैं कारेंग घर और तोलातोल घर। पर बिहू के टाइम में इतना ज्यादा क्राउड और रश रहता है कि सारे जगहों को कवर करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो आई वुड सजेस्ट टू एक्सप्लोर शिवसागर ड्यूरिंग विंटर डेज। तो शिवसागर से निकल के हम डायरेक्ट आके रुके मोरान और यहाँ पे बाबरची नाम के एक रेस्टोरेंट में हमने किया लंच। और तब तक हम सभी बहुत ज्यादा टायर्ड हो गए थे क्योंकि उस दिन बहुत ही ज्यादा गर्मी थी, पर एक बहुत ही सुंदर सा टाइम हमने स्पेंड किया शिवसागर में ड्यूरिंग रोंगाली बिहू और बहुत सारे मेमोरीज भी कैप्चर किए हमारे कैमरे में। सो गाइज, आई होप आज का ये वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। तो वीडियो में अगर कुछ भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं और एक नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग या वीडियो के साथ। टिल देन बी हैप्पी, स्टे सेफ।